गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बारिश हो रही है और मेरी फ्रेंड्स भी आई हुई हैं मेरी मम्मी से मिलने के लिए। तो वो बैठे थे तो कह रहे थे कि हम सब जो है ना इकट्ठे होकर चाय बालकनी में बैठ के पियेंगे। तो हम बालकनी में बैठ के अभी इकट्ठे पी रहे हैं चाय। चाय? नहीं नहीं, अरे क्यों, चार कप है, चार जने पियेंगे चाय, तू अकेले क्यों पिएगी? हम भी पियेंगे, लो मम्मी जी। हाँ, अरे बादल कर पियो चाय, मैं भी पीती हूँ, तुम भी पियो, ठीक है? मम्मी के पैर में दर्द जो है ना कुछ ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से वो बोल रही हैं कि मेरा वो मतलब मुझे करोल बाग वापस जाना है। हालांकि उनका मन लग रहा था बट कुछ ज़्यादा ही दर्द उनके शुरू हो गया है। एक पैर में, पैर की नी में बहुत ज़्यादा दर्द है। उठ के बैठना और बैठ के उठना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। दर्द पता नहीं क्यों बढ़ गया है। तो अभी आज अभी ये जाएंगी तो बस वही बैठे हुए हैं, थोड़ी भगवान से प्रार्थना कर देंगे। हे भगवान, मेरे बुढ़ापे में मुझे बिल्कुल भी ऐसे मत बिठा देना, मुझे मेरे काम करने लायक तक रखना। वो भगवान से यही प्रार्थना कर रही हैं बैठे हुए। मैं भी बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी सब चीज़ों में लगी हुई थी, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है तो उनके लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी। और अपनी किचन से जब भी मैं धूप को देखती हूँ और अपने बेडरूम से रेली में, पता नहीं क्यों मुझ में इतनी एनर्जी आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा, मैं पूरे दिन भर में बहुत कम बैठती हूँ और सोने का तो कोई मतलब ही नहीं होता मेरा। बस सब वो तैयार होके मुझे बाय बाय कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि अपना ध्यान रखना और बहुत ज़्यादा काम मत करना, थोड़ा आराम भी करना, और बहुत सारी चीज़ें वो मुझे बोल के गई हैं। तो मेरा मन नहीं था रैली में कि मैं उनको भेजूँ, मतलब उनका भी दिल लग रहा था, सिर्फ थोड़ी सी बेचैनी इसीलिए हो रही थी कि भी कहीं मेरा दर्द ज़्यादा ना बढ़ जाए। बस तो चलिए, बस आज इतना ही, कल फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।